नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। धारा 370 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। तो आपको बता दें कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने की मंजूरी राष्ट्रपति ने दे दी है। तो राज्यसभा में अमित शाह की तरफ से संकल्प पेश किया गया था, जिसको अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। और अब इसको लेकर 7 अगस्त को पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ अब केंद्र प्रशासित प्रदेश भी बन गया। तो वहीं लद्दाख को भी अलग से केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। और राज्यसभा में इस वक्त किस तरह के हालात है, क्योंकि राज्यसभा में जिस तरह से इस संकल्प को पेश गृह मंत्री की तरफ से किया गया था, उसके बाद काफी हंगामा। और अब जो विपक्ष के सांसद है वो जमीन पर बैठ गए हैं, धरना यहाँ पर सदन के अंदर दिया जा रहा है। तो 2 दिनों से जो कयास, जो अटकलें लग रही थी, एक बड़ा फैसला का जो इंतजार पूरा देश कर रहा था, कहीं ना कहीं वो अब पूरा हो गया है। राष्ट्रपति ने मंजूरी जो है वो दे दी है। तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग जो है वो किया गया है। तो लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया गया है। तो 7 अगस्त को पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। तो राज्यसभा में अमित शाह के बयान पर जोरदार हंगामा हुआ था। राष्ट्रपति की हालांकि मंजूरी अब इसको मिल गई है। तो आपको बता दें कि सदन के अंदर काफी जो हंगामा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जो विपक्ष सांसद हैं वो काफी हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हलचले चल रही थी, अतिरिक्त जवानों को भेजा जा रहा था, और कल रात से जिस तरह से धारा 144 न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि कई ऐसे जो राज्य हैं वहां पर भी अलर्ट जो है जारी किया गया था। तो ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे थे और वो कयास अब उस पर विराम लग गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी धारा 370 को हटाने के लिए दे दी गई है। तो R9 TV पर पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए R9 TV।